महात्मा गांधी की 13वीं पुण्यतिथि आज बांदीकुई नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी पार्क में मनाई। बांदीकुई नगर पालिका चेयरमैन और नगर अध्यक्ष ने बताया कि उनके आदर्श लोगों को प्रेरित करते हैं। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस मौके पर अशोक काठ नगर अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमर बलिदानों के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। शांति, अहिंसा, सादगी और साधनों की पवित्रता और विमरता के उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान इंदिरा बैरवा चेयरमैन बांदीकुई नगर पालिका, उप चेयरमैन राजेश शर्मा बांदीकुई नगर पालिका, रतन पटेल, विश्राम प्रजापत सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महात्मा गांधी को याद कर रहा है। महात्मा गांधी ऐसी शख्सियत थे आजादी के आंदोलन में, 1915 में जब महात्मा गांधी उस आंदोलन में आए, पूरे आजादी के आंदोलन को जो गति मिली, जो दिशा मिली, गांधी जी के अपने सिद्धांत सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने बताया, जातीय एकता पर बल दिया, सामाजिक एकता पर बल दिया, राष्ट्रीय एकता पर बल दिया, साम्राज्यवादी ताकतों को यहाँ से खदेड़ा, इस देश को स्वाधीनता के रास्ते पर पहुंचाया। गांधी जी का दर्शन हमें शांति, प्रेम और सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है। गांधी जी ने जिस प्रकार समूचे राष्ट्र को एकजुट किया, क्योंकि आजादी के आंदोलन में महान स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी जी अग्रगण्य थे, राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे, और गांधी जी के दर्शन को समूचे राष्ट्र ने नहीं समूचे विश्व ने अपनाया, तो हम गांधी को नमन करते हैं और उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपका नाम पंडित अंबिकेश।